आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने 2 GB तक फाइल कैसे हम किसी को ईमेल कर सकते हैं और आसानी से। और इसके लिए हम वी ट्रांसफर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आता हूँ जी अपने गूगल क्रोम पे, और ये मैंने ऊपर टाइप किया हुआ है वी ट्रांसफर। आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इसको हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद जी आई एक्सेप्ट कर लें, और यह पर यहाँ पर जो इधर आपके पास आ रहा है जी, ये वाला एक डायलॉग बॉक्स, इस पे आपने करना है एग्री। एग्री करने के बाद आपने जिसको ईमेल सेंड करनी है उसका ईमेल टाइप करना है। ये हो गया उसका ईमेल, फिर योर ईमेल यानी आपने अपना ईमेल टाइप करना है। तो मैं अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ, तो ये मेरा अपना ईमेल आ गया। और टाइटल लिखना है तो लिख दें कि भाई ये फाइल है, यह है जी EDIUS EDIUS, और मैसेज भी कर दें कि ये बैकअप है, एरियस का बैकअप, या अब करना है तो कर लें। अब फाइल अपलोड, यहाँ पर आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और क्लिक करके हम पहले इसको जो हमने फाइल किसी को सेंड करनी है उसको अपना विन आर ए आर फाइल कर लेते हैं। जैसे ये मैंने ये विन आर ए आर फाइल एक बनाई हुई है, इसको हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये जैसे ही होगा, ये है जी बता रहा है 715 MB का, ये 2 GB तक कर सकते हैं। और अभी ये जी जो यहाँ पर अभी आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए 1.3 GB, यानी ये अगर 2 GB तक हम कोई भी एक फाइल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब ये सारा कुछ हमने कर लिया है, इसके बाद हमने करना है ट्रांसफर। और ट्रांसफर करने के बाद अभी देखिए आ रहा है जी के इंटर एक वेरिफिकेशन कोड, तो हमने पहले कंफर्म करना है। तो मैं पहले अपने जीमेल में आता हूँ। जीमेल में आने के बाद जी मैंने इसमें करना है, ये देखिए ये वाली आ चुकी है एक ईमेल, ये इसमें एक ओटीपी आया या कंफर्म कोड एक आया है कि आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और इसको हमने यहाँ पेस्ट करके वेरीफाई कर देना है, और अब ये फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर लगेगी, ये फाइल अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद ये जिस जो ईमेल दिया था उनके ईमेल में ना ये पहुँच जाएगी फाइल।